हे गाइस, आई वेलकम यू टू माय चैनल एसएससी स्मार्ट क्लासेस। आज हम कंपैरिजन करेंगे कि आपकी जो एसएससी सीजीएल की पोस्ट है, जो भी आपकी मतलब 4600 ग्रेड पे की जो पोस्ट है, उनके साथ कंपैरिजन करेंगे आपका एसबीआई पीओ की जो सैलरी स्लिप है, बिल्कुल लेटेस्ट 2024 की जो 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट हुई थी उसके बाद की सैलरी स्लिप मैं आपको बताऊँगा। देखिए, यहाँ पर जब भी आप एसबीआई पीओ ज्वाइन करोगे तो इसमें जो बेसिक होता है ना, बेसिक वैसे सारे बैंकों का सेम है, लगभग 48,000 के आसपास बेसिक रहता है। लेकिन एसबीआई पीओ में क्या होता है, वो 4 इंक्रीमेंट ऑलरेडी ऐड करके आपको बेसिक मिलता है, यानी कि 56,480 के आसपास आपको मिलता है। 2,000 पर इंक्रीमेंट, 2,000 × 4 8,000 हो गया, तो 48,000 में लगभग आपने 8,000 जोड़े, तो 56,480 बना, मतलब 48,480 रुपये का ये वैसे बेसिक होता है, बट 4 इंक्रीमेंट जुड़ के एसबीआई पीओ जब आप ज्वाइन करते हो तो आपको 4 इंक्रीमेंट मिलता है। उसके बाद डीरेंस अलाउंस, ठीक है, जो 15.73% है, ये टाइम टू टाइम बढ़ते रहते हैं, लेकिन आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि इसकी सैलरी किस रेंज तक जाती है। सीजीएल के थ्रू जब आप ज्वाइन करोगे, जो भी आपकी इंस्पेक्टर पोस्ट है जिनका ग्रेड पे 4600 है, उनके साथ में कंपैरिजन करके आपको बता रहा हूँ, तो 11,770। उसके बाद सिटी कंपेंसेटरी अलाउंसेस 1900 रुपये। उसके बाद देखिए आपका नॉर्थ ईस्ट अलाउंसेस है, ये 7500 रुपये है, ये नॉर्थ ईस्ट वालों को मिलता है। लेकिन अगर कोई नॉर्थ ईस्ट का है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में पर्टिकुलर अगर अपनी ही होम स्टेट पर रह रहा है तो ये नहीं मिलेगा, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में किसी और जगह अपनी होम स्टेट को छोड़ के रह रहा है तो ये अलाउंसेस को मिल जाएगा। लर्निंग अलाउंस 850 रुपये एंड स्पेशल अलाउंस आपको 15,497 मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ डिडक्शंस हुई हैं, ठीक है, तो ये डिडक्शंस जो है वो आप देख लीजिएगा। यहाँ पे ये ईपीएफ कंट्रीब्यूशन 5,848 रुपये, प्रोफेशनल लाइक 208 रुपये। उसके बाद देखिए यहाँ पे आईटी टैक्स ये 4,982 रुपये, हाउस रेंट रिकवरी 169.68, फेस्टिवल एडवांस ये 8,200 रुपये, और ये कुछ 200 रुपये कट रहा है, और ये आगे डबल ई एन पी एस कॉन्ट्रीब्यूशन अमाउंट 6,768 रुपये। तो एक तो आपका ये ईपीएफ हो गया और एक आपका एन पी एस, दो आपके कटते हैं, तो ये अगर मैं इसमें से माइनस करूँ तो टोटल आपकी डिडक्शन 26,375, और ये होम पे जब मैं माइनस करूँ 69,622। लेकिन यहाँ पे ये जो जॉइनिंग है मतलब इंक्रीमेंट के बाद है, ज्वाइन के कुछ टाइम बाद जब आपके लेवल्स बड़े होंगे, बेसिक बड़ा होगा, बट यहाँ पे 2,000 और माइनस कर दीजिए क्योंकि 56,480 के आसपास है, ठीक है, तो एक लेवल बड़ा है जिसमें 2,000 का इंक्रीमेंट हुआ है, तो यहाँ पे ये लगा लीजिए 69,622 में 2,000 माइनस कर दो तो आपका 67,622 रुपये के लगभग आपको मिलेगा। थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकती हैं। अब यहाँ पर आती है कुछ और चीज़ें, मतलब इसके अलावा कुछ और अलाउंसेज आपको अदर पर्क्स मिलते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ पर्क्स हैं, ये लगभग 9,000 के आसपास पर्क्स हैं, तो ये लगभग आप जो अपनी सैलरी मान के चलोगे 77,000 से 78,000 के आसपास आप ये सैलरी जो है वो मान के चलिएगा। एसबीआई पीओ की इनिशियल सैलरी जो है वो आपकी 77,000 से 78,000 सैलरी है। इसमें मैंने आपके सारे अलाउंसेस, ये मोबाइल के, न्यूज़पेपर के, क्लीनिंग के, लेबर चार्जेस के, कन्वेंस के, ठीक है, लगभग टोटल मैंने जोड़े हैं, तो ये आपका कुछ मोटा मोटा सा मैंने आपका 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट के बाद जो मैंने आपको सैलरी बताई 77,000 से 78,000 के आसपास आपकी सारे अलाउंसेज मिला करके सैलरी है। इसके अलावा मैं सीजीएल की भी फटाफट से मैंने काफ़ी सैलरी स्लिप आपको दिखाई हैं, बट एक इंस्पेक्टर की मैं आपको दिखा देता हूँ। तो बिल्कुल लेटेस्ट है ये 4,900 जब कोई इनिशियल ज्वाइन करता है उस लेवल से, तो ये आपका है जीएसटी इंस्पेक्टर की, तो लगभग आपकी ये वही 4600 ग्रेड पे की आपकी जॉब है। तो यहाँ पे इन्होंने जो नेट इन हैंड सैलरी है, जो नेट इन हैंड सैलरी मिली है वो 77,918 है, लेकिन यहाँ पे एचआरए जो है वो 30% हो चुका है, लेकिन यहाँ पे ये बकाया है जो कि आगे जुड़ जाएगा, ठीक है, तो एचआरए 30% होकर के ये 13,000 समथिंग कुछ बनेगा, तो यानी कि ये जो है आपकी सैलरी इससे ज़्यादा है, मतलब आपकी लगभग एसबीआई पीओ से इसकी ज़्यादा है सीजीएल की, साथ में पोस्ट का जो रुतबा है वो ज़्यादा है। तो मैं ये कहूँगा कि दोनों पोस्ट के कंपैरिजन में ये आपकी सीजीएल वाली पोस्ट काफ़ी दमदार है, ठीक है, इसमें आपका नाम भी है। ये सारी चीज़ें आप देख लेने, सैलरी मैंने आपको दिखा दी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए इस चैनल पर, आपको लेटेस्ट और अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है विद इन लेस टाइम। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। और मैंने साइंस का बहुत ही अच्छा कोर्स बनाया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, यकीन मानिए अगर आपने वो कर लिया ना तो एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे। 95 से 98% कंटेंट की मैं गारंटी आपको देता हूँ। धन्यवाद।